हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फॉर दिस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद इंटर हेलोजन कंपाउंड्स एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आई हैव टेकन दीज एग्जाम्पल्स। Reactivity we have discussed previously that they are more reactive due to ineffective overlapping of orbitals between two dissimilar halogen atoms. So now we will discuss the structure of interhalogen compound in detail. So here I have taken the example of ICl4 one negative ion. In this there are four Cl in which one of the Cl is as Cl negative, means that Cl negative ion will donate both of its electrons to form a bond. जो Cl negative वाला है Cl, ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा आयोडीन को टू फॉर्म बॉन्ड। इट मीन्स आयोडीन नीड एम्प्टी ऑर्बिटल बिकॉज इट इज़ डोनेटिंग टू इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर आयोडीन का हम अनपेयर्ड ऑर्बिटल लेंगे, Cl negative इज गिविंग टू इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। Means in ICl4 one negative ion there are three ICl normal bond, that is covalent bond, and one ICl4 Cl negative coordinate bond which require one empty d orbital of iodine. So we will start for every interhalogen compound or any of the geometry. जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखने के लिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ग्राउंड स्टेट में। सो आयोडीन हैज़ वेलेंस कन्फिग्रेशन ऑफ 5s2 5p5 इन विच देयर इज़ ओनली वन अनपेयर्ड। तो हमें बनाने हैं तीन कोवेलेंट बॉन्ड और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक हमें खाली ऑर्बिटल चाहिए, वो हमारे पास हैं, बट वी हैव टू फॉर्म थ्री नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स वी नीड थ्री अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, बट वी हैव ओनली वन अनपेयर्ड ऑर्बिटल। सो वट वी विल डू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वन ऑफ द 5p ऑर्बिटल विल गेट एक्साइटेड टू डी ऑर्बिटल, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री अनपेयर्ड ऑर्बिटल। तीन अनपेयर्ड हमारे पास आ गए, तो दीज थ्री अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विद द अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Cl। ये तीन Cl के साथ ओवरलैप कर गए और जो d खाली था उसके साथ Cl नेगेटिव विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन एटम इन ICl4 मॉलिक्यूल इज s, p के तीन यूज हो रहे हैं और d के दो। सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, इन विच इस हाइब्रिडाइजेशन में देयर आर टू लोन पेयर्स, थ्री नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने दिए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो ऑक्टाहेड्रल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल विल गेट डिस्टॉर्टेड। सो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जब भी कोई लोन पेयर आ जाता है मॉलिक्यूल में तो हमेशा उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको नाम दे देते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। सो इन दिस केस सिंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 सिक्स बॉन्ड वाली जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। सो हेयर इट वी विल कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर शेप, राइट। द शेप इज स्क्वायर प्लेनर बट द ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। टू लोन पेयर्स, तीन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हैं, जब भी हम किसी दो एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। इन केस ऑफ प्रोडक्ट अगर ए एंड बी का जो बॉन्ड है वो बहुत एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, तो टू फॉर्म अ स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू एटम
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी बाहर निकलती है ताकि जो बॉन्ड बना है वो स्टेबल रहे, क्योंकि हमें पता है एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल है इट विल हैव लोअर एनर्जी, अगर लेस स्टेबल है इट विल हैव हायर एनर्जी। सो फ्लोरीन के केस में हमेशा ऐसे होता है, पहले तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है F2 वो बहुत जल्दी टूट जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि क्यों फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। सो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा और जल्दी टूटने के साथ साथ ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा क्वाइट ईजिली और फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी दूसरे के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। और जब भी फ्लोरीन किसी और के साथ रिएक्ट करता है तो इस बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। सो इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दैट्स वाई इन केस ऑफ फ्लोरीन ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICl7 डज नॉट एग्जिस्ट व्हाइल IF7 एग्जिस्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता और ये करता है, ऐसा क्यों है, इसके रीजंस हमेशा दो होते हैं। फर्स्ट इज स्टेरिक रीजन, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक मीन्स स्पेस, स्पेस में जो क्राउडिंग है वो इसमें काउंट करते हैं हम। अगर किसी मॉलिक्यूल में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा और वी कैन से इट विल नॉट एग्जिस्ट। दूसरा हमने रीज़न लेना है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर किसी मॉलिक्यूल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अपने कोऑर्डिनेशन को एक्सटेंड कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, जैसे हमने अभी ICl7 में देखा, ICl4(I) नेगेटिव में उधर हमने देखा कि आयोडीन के पास एक ही अनपेयर था, मीन्स ये एक ही Cl के साथ बॉन्ड बना सकता था टू फॉर्म ICl ओनली, बट इट इज़ फॉर्मिंग ICl4। क्यों? क्योंकि इसके पास खाली डी थे, उसमें इसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया, तीन अनपेयर्ड हो गए तो अब ICl3 बन रहा है, एक डी खाली यूज़ हुआ तो ICl4 भी बना। सिमिलरली ICl5 भी बन सकता है, 6B एंड 7B, तो इट मीन्स ICl7 बन सकता है। बट द क्वेश्चन इज ICl7 डज नॉट एग्जिस्ट वाइल IF7 एग्जिस्ट। अब ICl7 क्यों नहीं बन सकता, आयोडीन के पास तो खाली डी ऑर्बिटल भी हैं तो क्यों ICl7 जरूर बनना चाहिए। बट हेयर वी विल काउंट द स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो आयोडीन में है ही है, वो साथ F भी ले सकता है, साथ Cl भी उसके साथ लग सकते हैं, सो प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ये वाला फैक्टर नहीं लगेगा, द फैक्टर हेयर इज स्टेरिक फैक्टर। इन केस ऑफ ICl7 यहाँ 7 Cl हैं जो कि साइज में, जो Cl एटम है दैट इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो जो आयोडीन है ना, इस ये लार्ज 7 Cl को होल्ड नहीं कर पाएगा, देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग। मीन्स एक आयोडीन है उसके आले दुआले 7 बड़े बड़े साइज के अगर मैं Cl लगा दूँ आयोडीन के अराउंड, ठीक है, तो देयर विल बी लार्ज क्राउडिंग। अगर यही F लगा हो इसमें तो F के केस में साइज छोटा है F का, तो देयर विल बी लेसर क्राउडिंग बिटवीन द एटम्स, F एटम। सो हेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, इट विल एग्जिस्ट। हेयर इज लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन Cl Cl, सारे Cl एक दूसरे को क्राउड करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल ICl7 विल बी वेरी अनस्टेबल, so it will not exist. Similarly, the next question is I3(I) negative is known but F3(I) negative is not known. Again the same है, जैसे I3(I) negative में 3 iodine लगे हैं, F3 में 3 F हैं, तो F के पास तो empty d orbital ही नहीं है, तो अगर उसके पास empty d orbital नहीं है तो उसका ये एक ही unpaired electron है, ये एक ही bond बना सकेगा किसी और के साथ, जैसे F2 एक ही और molecule F atom लगेगा इसके साथ। एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता तो ये अपना कोऑर्डिनेशन एक्सपैंड कर सकता था, लेकिन एफ के केस में
जो है वेलेंस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2s एंड 2p, एंड वी नो फॉर क्वांटम नंबर 2 2d ऑर्बिटल शुड बी देयर, बट 2d इज नॉट पॉसिबल, 2d एग्जिस्ट नहीं करता. तो फ्लोरीन के केस में एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. दैट्स व्हाई F3 नेगेटिव आयन इज नॉट नोन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन. व्हाई हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट. फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारी हैलोजन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं. मल्टीपल कौन कौन सी ये शो कर रही हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? दे कैन शो -1, +1, +3, +5, +7, राइट. सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई कहाँ से? हमेशा कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयर करता है, उतने ही करता है ताकि उतने इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर या लूज करने के बाद वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन पाए. तो हैलोजन्स के केस में वेलेंस कन्फिग्रेशन है NH2NP5. तो क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए नोबल गैस बनने के लिए, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अचीव अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन बाई गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन और बाई शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन. दे कैन आइदर गेन और शेयर वन इलेक्ट्रॉन टू गेट नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन. मीन्स दे कैन शो -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर. बट फ्लोरीन, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट कैन ऑलवेज शो अ -1. ये -1 ही शो करेगा, +1 शो नहीं कर सकता. लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं दे कैन शो +1, +3, +5, +7 इन एडिशन टू -1. सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आयोडीन एटम. आयोडीन वेलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो ये अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कैसे कर सकता है, फुली फिल्ड कैसे कर सकता है? आइदर बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद अदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर आयोडीन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स एक पी का इलेक्ट्रॉन मैंने डी को दे दिया, नाउ इट इज़ हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमने एक और पी का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया इंटू डी ऑर्बिटल, सो रिजल्ट इंटू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एक्साइटेड टू द डी ऑर्बिटल इट विल फॉर्म 7, इट इज हैविंग 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो स्टेबिलिटी है, टेंडेंसी टू शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. द रीज़न वॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो हैलोजन्स हैं उनकी जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो टेंडेंसी है दैट इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हैलोजन के 5s इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो ज़्यादा क्लोज़र आ जाते हैं न्यूक्लियस के, बाहर नहीं निकल पाते हैं. इट मीन्स दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वो नहीं जाएंगे सिर्फ पी के ही जाएंगे. तो इट मीन्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द हैलोजन. नो डाउट सारी की सारी हैलोजन्स जो हैं बाकी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेकिन अमंग हैलोजन फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव. क्या रीज़न है? दिस इज़ ड्यू टू दीज 3 फैक्टर्स. यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, वट इज़ द रीज़न फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. क्योंकि फ्लोरीन जो है बाकी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी इसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज अमंग द हैलोजन, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. इन तीनों रीज़न के कारण जो है फ्लोरीन उसकी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट. बाकी एलिमेंट्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, बट फ्लोरीन इज़ शोइंग ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट.
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो फ्लोरीन है नो डाउट सारे हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बड़ी लो होती है, दैट्स वाई दे आर मोर रिएक्टिव, बट फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने हैलोजन एलिमेंट से सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें, वी शुड एक्सपेक्ट इट हैज़ मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिकॉज साइज छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक अ बॉन्ड, इट मीन्स इट शुड हैव वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट अनएक्सपेक्टेडली इट हैज़ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द रीज़न इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, लोन पेयर जो हैलोजन के ऊपर हैं दे विल फील ग्रेटर रिपल्शन, बहुत छोटा बॉन्ड है, पास पास हैं ये दोनों एटम, तो ये वाले लोन पेयर भी पास पास होंगे, रिजल्टिंग इन ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन दीज टू लोन पेयर, एज अ रिजल्ट ईच एफ एटम विल रिपेल ईच अदर, रिजल्टिंग इन द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, इट मीन्स इट हैज़ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, अमंग द हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हैलोजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो दीज आर द थ्री रीजन्स वाई ड्यू टू विच द फ्लोरीन एटम शो अनएक्सपेक्टेड और अनयूजल बिहेवियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैलोजन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हैलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दिस इज़ ड्यू टू टू रीजन्स, वन इज़ वेरी लो डिसोसिएशन एनर्जी एंड वेरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हैलोजन की अगर हम बात करें, जो हैलोजन्स हैं उनकी अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। द रीज़न इज अगेन दिस इज रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन दिस बॉन्ड इज अंडर टेंशन, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। सो दे हैव वेरी लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। सो हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बिकॉज वी नो जो हैलोजन्स हैं दे आर शॉर्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दिस इज़ द रीज़न दैट कि जो हैलोजन्स हैं वो एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ले लेती हैं। अब दे आर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन, हैलोजन्स आर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन इट टू फॉर्म एक्स नेगेटिव आयन। इस केस में हैलोजन है, इट इज़ गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन, खुद की रिडक्शन हो रही है, तो ये दूसरे को क्या करेंगी, ऑक्सीडाइज। तो रिएक्टिविटी में हम ये भी देख सकते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, मीन्स हैलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मीन्स जो रिएक्टिविटी है हैलोजन्स की, दैट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है उनकी बहुत ज़्यादा है। ऑन दैट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर इन प्रीवियस वीडियो ऑन हैलोजन्स। ऑल राइट।